वेलकम बैक प्रो टेक्निक पंडित, एक बार फिर से आपका स्वागत है, बहुत बहुत ज्यादा स्वागत है। और फिर से हम एक बार जुड़ चुके हैं आपके साथ और आज बात होने वाली है एग्रीकल्चर प्रोडक्शन के साथ। जैसा कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे थे तो ये हमारा फोर्थ लेक्चर, इससे पहले हमारा तीन लेक्चर हो चुका है। अगर आपने नहीं देखा है तो जाकर देखिए हमारे प्ले लिस्ट में। तो चलिए, यहाँ तक हम कहाँ तक बात कर रहे थे तो उसको हम जान लेते हैं, कौन से एग्रीकल्चर प्रोडक्शन में, जो कि थर्ड सेमेस्टर में पढ़ी जाती है, ठीक है, एग्रीकल्चर के अंदर। तो चलिए भाई, हम देख लेते हैं कि कहां तक हमने स्टडी किया था। तो हमने बेड ड्रॉप तक स्टडी कर लिया था। आज हम जो स्टडी करने वाले हैं वो जो है वो टाइप्स ऑफ सॉइल को हम डिफाइन करेंगे और बताएंगे कि भैया क्या होता है सॉइल और कैसा परफॉर्मेंस है और कौन कौन से जगह कौन कौन से क्रॉप उसमें उग सकते हैं, कौन कौन से फसल लग सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, डिफाइन द टाइप्स ऑफ सॉइल, मतलब भैया जो हमारा सॉइल है उसको हम कैसे जानते हैं, किस वे में जानते हैं और कहां कहां उसका यूज होता है। तो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले आप देखने वाले हैं क्ले सॉइल, किसके बारे में, क्ले सॉइल। तो भाई क्ले सॉइल क्या होता है, तो चलिए सबसे पहले देख लेते हैं, थोड़ा सा पहले पढ़ लेते हैं। क्ले सॉइल इज द वन ऑफ द मेनी टाइप्स ऑफ सॉइल दैट आर डिजाइनियस एज सॉइल इन विच द पार्टिकल्स आर पैक्ड टाइटली टूगेदर विथ इच अदर विथ लिटिल और नो एयर स्पेस। कहने का मतलब कि जो हमारा कौन क्ले सॉइल होता है वो बहुत छोटे 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 पार्टिकल्स होते हैं और क्या होता है, बहुत ज्यादा टाइटली एक दूसरे के पास क्या होता है, पास पास होता है, बहुत पास पास, बहुत क्लोज क्लोज होता है। तो भाई बोलोगे ऐसा कौन सा पार्टिकल्स हमने तो देखा ही नहीं, कुछ बता दो जो एग्जाम्पल समझ में आ जाए। तो भैया आपने आटा देखा है, जब आप आटा लेते हैं तो आटा देखिए बड़ी उसका जो पार्टिकल्स है बहुत पास पास होता है, छोटे छोटे पार्टिकल्स बहुत क्लोज क्लोज होता है। आई मीन क्या, हमारा क्ले पार्टिकल्स भी सेम ऐसा ही होता है आटा के पार्टिकल्स की तरह। जैसे कि हम आटा लेते हैं हाथ में, फ्लोर लेते हैं तो देखेंगे उसका छोटा छोटा पार्टिकल्स है एक दूसरे के पास से, बहुत कम उसमें स्पेस उसके बीच में बहुत कम मिलेगा, ना के बराबर मिलेगा। सेम एज हमारा क्ले पार्टिकल भी है भैया, उसके अंदर भी बहुत कम स्पेस मिलता है। और क्या देखते हैं, बिकॉज दिस कैरेक्टरिस्टिक्स क्ले इन द डिजाइन एज हेवी टाइप्स ऑफ सॉइल। भैया हेवी टाइप्स ऑफ सॉइल कहने का मतलब जब वो भींग जाएगा मतलब गीला हो जाएगा तो वो बहुत हेवी हो जाएगा। जब आप आटा वगैरह सान लेते हो देखते हो भैया दम कॉम्पैक्ट हो जाता है, बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, पास पास होता है, थोड़ा सा हार्ड हो जाता है, ठीक है, हेवीस्ट हो जाता है, भारी वगैरह हो जाता है। लेकिन उससे पहले आप देखोगे तो उसका जो पार्टिकल्स होता है बहुत क्लोज क्लोज होता है, इसीलिए हम क्ले पार्टिकल को हम समझते हैं कि भैया उसका पार्टिकल्स जो होता है बहुत पास पास होता है, उसके बीच में कोई भी एयर स्पेस नहीं होती है, मतलब पार्टिकल्स क्या होता है बहुत क्लोज होता है, दोनों पार्टिकल के बीच में कोई जगह नहीं होती है ताकि वहां कोई एयर ना हो, इज नोन एज अ क्ले पार्टिकल। तो क्ले पार्टिकल के बारे में समझ गए। अब देख लेते हैं कि भैया हमारे क्ले पार्टिकल्स एक्चुअली में क्या होता है, उसका क्या क्या फैक्टर है, क्या क्या गुण है, क्या क्या प्रभाव उसका होगा। तो हम देखते हैं, सबसे पहले देखते हैं कि भैया पार्टिकल्स कैसा है, फाइन पार्टिकल्स है, मतलब कैसा है, बहुत छोटा छोटा, बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल्स है, मतलब बहुत ज्यादा छोटा पार्टिकल्स है, ठीक है। उसके बाद क्या है, स्मूथ एंड वेन ड्राई, मतलब बहुत क्या है, बहुत ज्यादा स्मूथ, स्मूथ मतलब बहुत 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 ज्यादा स्मूथ और बहुत ज्यादा ड्राई, मतलब सूखा है, बहुत ज्यादा सूखा है और क्या है, ड्राई है, ठीक है, और स्मूथली टच करने में एकदम स्मूथ फील होता है कि भैया फोन जैसे चला रहे हैं, ठीक है, रील वगैरह। आगे देख लेते हैं, रील नहीं है, चलिए इधर देखते हैं। आगे क्या है, स्टिकी विद वेट, मतलब भींगने के बाद कैसा हो जाता है, भारी वाला हो जाता है, भारी लगने लगता है, जब उसको भींगा दीजिएगा तो देखिएगा भारी जैसा हो गया, ठीक है, एज लाइक एज आटा को भींगा दीजिए तो लगेगा भारी, भारीपन आ जाएगा, ठीक है। और क्या है, ड्रेन्स प्रूफली लेस एयर स्पेस टू लेट एयर, मतलब कि उसके अंदर एयर ना जाने की जगह है और ना आने का जगह है, मतलब उसमें एयर का स्पेस बहुत कम है, दोनों पार्टिकल जितना पास पास है कि इसमें एयर का स्पेस नहीं होगा। फिर रिच न्यूट्रिएंट भैया, और न्यूट्रिएंट क्या होगा, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में होगा, आई मीन क्या, जब प्रचुर मात्रा में उसके अंदर न्यूट्रिएंट होगा तो हमारा जो फसल है, हमारा जो क्रॉप है वो अच्छे ढंग से उग पाएगा, लग पाएगा। और क्या है, कूल एंड डेंस, कूल कूल मतलब ठंडा होता है, ठीक है, कूल मतलब एकदम ठंडा ठंडा, और डेंस मतलब एक दूसरे के पास पास है, ठीक है, मतलब कि दोनों पार्टिकल्स क्या है, पास में है, एकदम एक दूसरे से कूल है, कोई टेंशन वगैरह लेने का नहीं है, लड़ाई झगड़ा नहीं करना, ठीक है, मतलब दोनों पार्टिकल्स बहुत क्या है, डेंस वाला है। चलिए आगे देख लेते हैं, और इस कौन से क्रॉप के लिए बहुत ज्यादा क्या है, लाइकेबल है, कौन से क्रॉप हम इसमें लगाते हैं बहुत ज्यादा, ठीक है, तो उसको हम देख लेते हैं। कौन कौन लगाते हैं, लीफ वेजिटेबल, ठीक है, तो कौन कौन से लगाते हैं, लीफ वेजिटेबल, पी, मटर, टमाटो, पीस, मतलब मटर टमाटर, ठीक है, उसके बाद वेजिटेबल है, तो ये सब जो लीफ वेजिटेबल, ये सारे फसल जो है हम सब्जी वाला फसल सब उसमें क्या लगाते हैं और हमारा बहुत अच्छा क्या होता है, फसल ग्रो होता है। तो ये बात हो गई क्ले सॉइल की। अब हम देख लेते हैं भैया हमारा नेक्स्ट क्या है,
तो हमारा जो नेक्स्ट है वो है सिल्ट सॉयल। ठीक है, कौन सा सॉयल भैया? सिल्ट सॉयल, इसको भी हम डिफाइन करेंगे, जान लेंगे कि क्या है सिल्ट सॉयल और क्या क्या परफॉर्मेंस है। तो चलिए देख लेते हैं। सिल्ट सॉयल इज द एक्सटर्नली स्मूथ एंड सिंस द रिटेन बेंडली ऑफ वाटर इट इज द फर्टाइल डिस्प्रीट द गुड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ दिस काइंड ऑफ सॉयल इट लैक न्यूट्रिएंट कंपेयर्ड टू द टाइप्स ऑफ सॉयल। कहने का मतलब ये जो सॉइल है ये कैसा सॉइल है? तो ये बहुत ज्यादा स्मूथ सॉइल है। स्मूथ मतलब कैसा? बहुत ज्यादा सॉफ्टी सॉइल है। और क्या है इसका करेक्टरिस्टिक्स? बहुत करेक्टरिस्टिक्स गुड है। गुड मतलब बहुत अच्छा अच्छा गुण है। तो क्या अच्छा गुण है? क्योंकि इसके अंदर फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है। इसके अंदर क्या है? फर्टिलिटी बहुत ज्यादा है, मतलब की उर्वरक शक्ति बहुत ज्यादा है। और क्या है? लेकिन इसके अंदर क्या है? कमी है। क्या कमी है? तो कंपेयर टू, किसके कंपेयर टू? दूसरे दूसरे कंपेयर, मतलब कि दूसरे सॉइल के कंपेयर में इसमें क्या है? न्यूट्रिएंट कम है। कहने का मतलब इसमें न्यूट्रिएंट है लेकिन क्या, दूसरे सॉइल के कंपेरिजन में, जैसे कि क्ले था तो क्ले में प्रचुर मात्रा में था लेकिन इसमें उतना प्रचुर मात्रा में नहीं है। तो दूसरे सॉइल के कंपेरिजन में इसमें क्या है? न्यूट्रिएंट कम है। तो ये लेकिन क्या है, सॉइल में बहुत अच्छा फर्टिलिटी है, सॉइल में अंदर उर्वरकता है लेकिन अदर सॉइल के कंपेरिजन में कम है। ठीक है, ये हमारा सिल्ट सॉइल। और क्या है, और ये क्या है? एग्रीकल्चर के लिए क्या है? आइडियल है। मतलब कि भैया यहाँ ये मतलब अगर हम इसमें एग्रीकल्चर करें, किसानी करें, खेती वगैरह करें तो हमारा फसल अच्छा ग्रो होगा। ठीक है, अदरवाइज देख लेते हैं इसका क्या है, फैक्टर क्या है, क्या गुण है। तो गुण के अंदर देखते हैं इसका पार्टिकल कैसा है, टीनी टीनी पार्टिकल्स है। इसका पार्टिकल्स क्या? छोटा छोटा पार्टिकल्स है। उसके बाद स्पिटली विट वेट, ये भी भींगने के बाद थोड़ा सा भारीपन हो जाता है। ठीक है, और क्या है, नोट अ जनरल और रॉक, इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार का क्या पत्थर वगैरह नहीं मिलेगा। ठीक है, कैसा नहीं मिलेगा? पत्थर वगैरह हमको इसमें देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है, और क्या है, स्पिनली फर्टिलाइज, और क्या है ये मतलब किसानी करने के लिए इसके अंदर प्रचुर मात्रा में जो है फर्टिलिटी होगा, उर्वरक तक शक्ति होगा। ठीक है, उसके बाद क्या देखते हैं, इजिली ट्रांसफर बाय द बाइंडेड वाटर, ये हवा और पानी के द्वारा एक जगह से दूसरे जगह आसानी से उठ के जा सकता है। मान लीजिए बहुत ज्यादा हवा तेज आया तो यहाँ का थोड़ा सा मिट्टी पार्टिकल से उठ के और दूसरे जगह पहुंच गया, मतलब यहाँ का उठ के वहां पहुंच गया। तो मतलब पानी और हवा के द्वारा आसानी से इसका मिट्टी की जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर हो सकता है पार्टिकल्स। गुड फॉर एग्रीकल्चर पर्पस इजिली कंपैक्टेड, मतलब कि एग्रीकल्चर के लिए, किसानी के लिए भैया बहुत ज्यादा क्या है, प्रभावशाली है। आप इसका यूज क्या कर सकते हैं, खेती, मतलब इस सॉइल का यूज खेती वगैरह जहाँ है सॉइल उसमें खेती वगैरह करने के लिए यूज कर सकते हैं। इस सॉइल में अच्छा मतलब प्रॉपर वे में आपका खेती वगैरह होगा, किसान बहुत अच्छे से इसमें अपने फसल लगा सकते हैं। अब क्या है, आइडियल फॉर क्रॉप, ये इसमें कौन कौन से फसल लगा सकते हैं, कौन कौन सा फसल अच्छे वे में उगेगा, तो इसको देख लीजिए यहाँ, ऑल वेजिटेबल्स एंड फ्रूट्स। भैया इसमें जितने भी हमारा वेजिटेबल, जितना भी हम सब्जी खाते हैं, लौकी कद्दू गोभी जो भी खा लेते हैं सारा कुछ लगा सकते हैं। और फ्रूट में भी वाटरमेलन, चाहे आपका जो भी आपका सब मतलब फ्रूट वगैरह आता है सारा कुछ आप इसके अंदर लगा सकते हैं और मस्त में खा सकते हैं। ठीक है, तो ये सब आपका हो गया सिल्ट वाला बात। अब हम देख लेते हैं नया वाला हमारे पास कौन सा सॉइल है। तो नया वाला जो हमारे पास है वो है भाई सैंडी सॉइल। सैंडी सॉइल, सैंड सॉइल मतलब बालू वाला जो है। चलिए उसके अंदर देख लेते हैं कि क्या है भाई बालू वाला का क्या कहानी है। बालू वाला है बालू निकाल, ऐसा नहीं, देख लीजिए इधर। सैंड सॉइल आर वन ऑफ द पुअरेस्ट टाइप्स ऑफ सॉइल टू ग्रो ऑन एनी काइंड ऑफ अ प्लांट इन दिस, बिकॉज सैंड सॉइल हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट पार्टिकल्स एंड दैट प्रिवेंट द फ्रॉम सॉइल फ्रॉम रिटेन वाटर मेक इट हार्ड फॉर द रूट प्लांट इज एस्टेब्लिश। मतलब भैया जो हमारा सेंड सॉइल है, तो सेंड सॉइल हमारा कैसा है, तो थोड़ा सा हार्ड वाला सॉइल है। कहने का मतलब इसका जो पार्टिकल्स है वो थोड़ा थोड़ा दूर दूर है। तो दूर दूर होने से क्या है, क्या क्या घाटा हो सकता है भैया? तो जिसका पार्टिकल दूर दूर है तो जो भी बारिश आता है, बारिश का पानी जैसे नीचे आया, ये पानी क्या हुआ, फटाक से नीचे चला गया। मतलब कि ये पानी होल्ड करके नहीं रख सकता है, तो होल्ड करके नहीं रख सकता है तो पानी फटाक से नीचे चला जाता है। जब पानी नीचे चला जाता है तो अगर हम कोई भी फसल लगाते हैं तो हमारे प्लांट को क्या होगा, पानी मिलेगा नहीं। क्यों? क्योंकि पानी तो नीचे जाता है, ऊपर तो आ नहीं सकता है। जब हमारा पानी ऊपर नहीं आ सकता है तो हम कैसे इसमें फसल को लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें प्रॉपर वे में हम फसल नहीं लगा सकते हैं। देन उसके बाद क्या है, बाद देख लिए पानी सूख, पानी आया नीचे आया, फटाक से पानी सूख गया, फिर से देखिए थोड़ा देर के बाद क्या होगा, हार्ड हो गया इसका लेयर, क्या हो गया, हार्ड हो गया। तो देखिएगा आप अक्सर देखिएगा जहाँ सैंड होगा, बालू वगैरह होगा, वहाँ पे पानी आया तो पानी आने के बाद थोड़ा देर बाद देखिएगा वहाँ का लेयर क्या हो गया, बहुत ज़्यादा सख्त हो गया है कि नहीं। जैसा घर वर बनता है सीमेंट वेंट वाला, देखते हैं पानी मिला वाला के घर बना दिए, छोड़ दिए, एक घंटा बाद देखिएगा पूरा एकदम फिट है, तकाटक है,
ठीक है। तो इस ऐसे सॉइल में हम जो है मतलब खेती वगैरह नहीं कर सकते, ये मतलब एग्रीकल्चर के लिए प्रॉपर वे में जो है एकदम कंफर्टेबल नहीं होता है, ठीक है। अदरवाइज इसका कैरेक्टरिटीज जो है वो देख लेते हैं। तो क्या है लार्ज पार्टिकल्स, मतलब इसका जो पार्ट दो दो पार्टिकल्स है ये बहुत ज्यादा क्या है दूर दूर जगह जगह पे है, ठीक है, लार्ज बड़ा बड़ा है। उसके बाद क्या है ड्राई एंड डेंस, मतलब कि जब हम टच करते हैं तो भुरभुरा टक से टूट जाता है, और जब बहुत ज्यादा क्या होता है ड्राई होता है सूखा होता है। और क्या होता है इजिली ड्रेन, मतलब कि भैया पानी इसमें आसानी से निकल जाता है, मतलब कहीं से पानी डालो यहाँ से पानी डालो फट से इधर से निकल जाएगा, यहाँ से डालो इधर से निकल जाएगा, मतलब पानी को होल्ड नहीं कर सकता है रोक नहीं सकता है। अदरवाइज और क्या है लेस वाटर रिटर्न, मतलब कि पानी को बहुत कम मतलब होल्ड रखने का पकड़ के रखने का या पानी को लाने का क्षमता इसके अंदर बहुत ज्यादा कम है, मतलब पानी नहीं रोक सकता है, इसीलिए इसमें जो फसल हम वगैरह नहीं लगाते हैं। और क्या है वार्म एंड एयरी, मतलब क्या है कि गर्म बहुत जल्दी हो जाता है, देखते हैं बालू वाला रेगिस्तान है धूप पड़ता है एकदम हीट हो जाता है, ठंडी आ गया तो पूरा ठंडे हो जाता है, मतलब प्रॉपर वे में एग्रीकल्चर के लिए जो है थोड़ा उतना वे में नहीं है ठीक ठाक। उसके बाद क्या है लैक एसेंशियल न्यूट्रिएंट, और इसके अंदर सबसे बड़ी बात है कि न्यूट्रिएंट भी कम ही होता है, मतलब कोई गुण नहीं है ना, बोलते हैं ना एक एक आदमी होता है इसके अंदर कोई गुण नहीं है वो अवगुण वाला है, समझिए ये भी वैसा ही है, इसके अंदर जो है मतलब एक गुण दिखा नहीं अभी तक, तो ऐसा क्या है इसके अंदर न्यूट्रिएंट भी कमी है। अदरवाइज इसके अंदर कौन कौन से फसल लगा सकते हैं तो चलिए देख लेते हैं थोड़ा सा, जैसे वाटरमेलन पी पीच टर्लिप हिबिस्कस, तो ये सब जो हमारा वाटरमेलन वगैरह तरबूज खरबूज ठीक है, तो ये सब जो कुछ कुछ फल सब है जो कि हम इसके अंदर लगाते हैं और जो है हमारा जो है फ्रूट वगैरह उग जाता है, ठीक है। तो एक दो फसल के लिए ठीक ठाक है, अदरवाइज हमारा जो प्रचुर मात्रा में जो हम हमको फसल लगाने के लिए जो न्यूट्रिएंट चाहिए इसके अंदर अवेलेबल वगैरह नहीं है, तो इसके अंदर हम जो है पैडी या वीट वगैरह का नहीं कर सकते, ठीक है। अदरवाइज अगर हम दूसरे अगर देख ले दूसरे सवाल को, दूसरा सवाल हमारा लोमी सवाल, ठीक है। तो भाई हमारा लोमी सवाल क्या होता है चलिए देख लेते हैं, ठीक है। लोमी सवाल इज वन ऑफ द परफेक्ट टाइप्स ऑफ सॉइल बिकॉज इट इज अ मिक्स ऑफ अ सैंड क्ले सिल्ट इवन अ सम ह्यूमस, मतलब भैया हमारा जो लोमी सॉइल है मतलब इतना परफेक्ट सॉइल है कि बता नहीं सकते, मतलब बोलते हैं ना सारे इंसान में एक इंसान एकदम चकाचक है, जैसे कि देख लीजिए राम जी एकदम परफेक्ट इंसान है ना, तो वैसा ही वाला बात है। यहाँ पे देखा है कि लोमी सॉइल जो है हमारा एकदम परफेक्ट सॉइल है, भाई काहे सॉइल है परफेक्ट, मतलब इसके अंदर सारा गुण है, जैसे राम जी परफेक्ट गुण है, मतलब सारा समेट के इंसान के अंदर डाल दिया, वही वाला बात है। यहाँ पे क्या है ये मिक्सर है, किसका किसका मिक्सर है मिलाव है, तो देखिए सैंड का है क्ले का है और सिल्ट, मतलब सारे न्यूट्रिएंट सारे मतलब सॉइल का मिक्सचर है दे दिया हुआ है, ठीक है। तो ये सारे सॉइल का मिक्सचर है, और सबसे बड़ी बात इसमें अंदर ह्यूमस इतना ज्यादा है, मतलब कितना ज्यादा छोटा छोटा ह्यूमस है कि इसमें न्यूट्रिएंट की प्रचुर मात्रा फटाफट आ जाती है बढ़ जाती है। आगे देख लेते हैं द पीएच ऑफ द लोमी सॉइल इज 6 विथ अ हाई कैल्शियम लेवल, द स्पेसिफिक कंपेक्शन ऑफ अ लोमी सॉइल कैन बट विथ द राइट बैलेंस ऑफ द एडिक्टिव एंड कैन बी मेड एन आइडियल, मतलब कि हमारा लोमी सॉइल को परफेक्ट सॉइल बनाने का इतना सारा टर्म कंडीशन है, इसका पीएच कितना कितना है तो 6 है, कितना है 6 है, जो कि हमेशा कैल्शियम को मतलब मेंटेन करके रखता है, ना कभी ज्यादा ना कभी कम होने देता है, इसीलिए हमारा लोमी सॉइल एकदम परफेक्ट सॉइल है। इसमें हम अगर अपने एग्रीकल्चर करते हैं किसानी करते हैं या कोई भी फसल लगाते हैं तो इसमें हमारा फसल का जो उत्पाद बहुत ज्यादा अच्छे वे में हो पाता है, इसके अंदर हम पैडी लगा सकते हैं वीट लगा सकते हैं, मतलब कि चावल की खेती कर सकते हैं, ठीक है, धान की खेती कर सकते हैं, उसके बाद क्या गेहूं की खेती कर सकते हैं, मक्का वगैरह लगा सकते हैं, ये परफेक्ट सॉइल है, मतलब मत पूछिए एकदम जबरदस्त वाला है, ठीक है। आगे क्या है इसका जो फैक्टर देख लेते हैं, तो क्या है विल एंड ड्रेंड, मतलब कि ये क्या है थोड़ा भींगा टाइप का रहता है हमेशा, मतलब जो इसमें न्यूट्रिएंट हमेशा नमी बनी हुई रहती है। उसके बाद क्या फर्टिलिटी ऑफ सॉइल, इसमें जो है हमारे उर्वरकता शक्ति सॉइल के अंदर प्रचुर मात्रा में होता है, मतलब भरा हुआ होता है इस टाइप का। उसके बाद क्या मिक्स ऑफ द सैंड, बताई है कि सैंड क्ले मतलब सारे पार्टिकल्स का मिक्सचर है जिसके लिए परफेक्ट सॉइल है, ठीक है। उसके बाद क्या सॉफ्ट एंड क्रेमली है, रिटेन वाटर इजली वर्क विथ, मतलब वर्क विथ मतलब इसमें हम काम बहुत अच्छे ढंग से आसानी ढंग से कर सकते हैं, ये पानी की प्रचुरता को वाटर मतलब जो हमारा पानी है वाटर है इसकी प्रचुरता अच्छे ढंग से बनाए रखता है, जिसके कारण हमारा प्लांट को अच्छे ढंग से पानी वगैरह मिलता है। अदरवाइज अगर बात कर ले कि भाई हमारा जो कौन कौन सा फसल इसके अंदर लगा सकते हैं कौन कौन सा फसल आएगा, तो देखिए आप टमाटो कैरोट पटेटो रोज एरमिया मैरीगोल्ड ठीक है रमलेस, तो इतने सारे जो हमारा मतलब फसल दे रखा है या चाहे फूल हो
फल हो या हमारा क्या कहते हैं जो हमारा फसल सब है, इसमें हम कोई फसल लगाएंगे तो हमारा फसल का प्रोडक्टिविटी बहुत अच्छा होगा, ठीक है, हमारा फसल अच्छे ढंग से आएगा, क्वालिटी मेंटेन होगा, तो सारा चीज जो हमारा जो है लोमी सॉइल के अंदर, इसीलिए इसको परफेक्ट सॉइल बोलते हैं, ठीक है, परफेक्ट वाला सॉइल है। अब देख लेते भैया कि परफेक्ट सॉइल से आगे आते हैं तो कौन सा सॉइल आता है, चल्क सॉइल। क्या आता है? चल्क सॉइल। अब ये कौन सा सॉइल होता है भैया, ये कुछ नया टाइप का सॉइल है, तो भाई देख कल्चर वाले थोड़ा सा नया देख लेते हैं, ठीक है। दिस काइंड्स ऑफ सॉइल्स आर फाउंड इन लिमिट्स ऑन बेड्स दैट हैव अ चल्क्स डिपॉजिट द एयर डिप्स। दिस इज नॉट अ आइडियल फॉर अ ग्रोइंग प्लांट बिकॉज इट कैन बी हार्ड टू वर्क विथ अ चल्क सॉइल, इज अल्कलिक एंड कॉज इन द येलो स्ट्रक्चर ऑफ द प्लांट। मतलब कि ये जो हमारा प्लांट है, ये जो हमारा सॉइल है, ये ठीक ठाक सॉइल है, लेकिन इसमें ये इतना परफेक्ट नहीं है कि हम एग्रीकल्चर में इसका यूज कर सके। ये बहुत ज्यादा क्या है, डिपेस्ट सॉइल है, मतलब बहुत ज्यादा घनत्व वाला सॉइल है, इसके अंदर जो है थोड़ा बहुत कंकर वगैरह भी मिक्सचर रहता है, ठीक है, इसमें हम इजिली वर्क नहीं कर पाते हैं और इसमें हम मतलब हमारा जो प्लांट उतना वगैरह ग्रोथ नहीं कर पाता है, लेकिन ठीक है चलेगा, उतना ज्यादा परफेक्ट भी नहीं है। इसका जो सॉइल का पार्टिकल्स है ये बहुत ज्यादा हेवी है, ठीक है, मतलब जो पथरीला वगैरह बहुत ज्यादा जो मतलब अर्चन टाइप्स का है, ठीक है। अदरवाइज इसका जो फैक्टर है वो है लिंच रिच सॉइल स्टोनी, देख रहे हैं स्टोन मतलब पत्थर वगैरह, सो पत्थर इसके साथ मिक्स है। अब मान लीजिए जहाँ पत्थर है वहां पे थोड़ी हम खेती करने या फसल रोपने पहुंच जाएंगे, तो वही सब बात हो गई। उसके बाद है एसेबली एंड ड्राई इन समर, जब समर गर्मी का मौसम आएगा तो इतना ज्यादा हार्ड हो जाएगा कि भैया आप इसमें फसल लगा नहीं सकते हैं या आपका न्यूट्रिएंट वगैरह उतना रिच मात्रा में होने वाला नहीं है, पुअर न्यूट्रिएंट मतलब प्रचुरता इतनी कमी है न्यूट्रिएंट का कि मतलब प्रचुर मात्रा में भी नहीं है, और मात्रा में क्या बहुत ज्यादा कम, मतलब इतना खराब है कि मतलब मत ही पूछिए। उसके बाद क्या है, वर्क इन क्विकली इन समर, मतलब और गर्मी के टाइम में इतना ज्यादा जो आपका कॉम्पैक्ट हो जाएगा, हार्ड हो जाएगा, भैया आप जो है काम नहीं कर पाएंगे, और एल्केलिक इतना ज्यादा होगा कि अगर फसल लगा भी दिए तो वो भी जो है गल सड़ के खराब हो जाना ही है, ठीक है। अदरवाइज अगर देख लेते हैं कि कोई फसल लगा लेते हैं किसके लिए जो है अच्छा वाला है, तो क्या है हनी, उसके जैस्मिन, रोज, मतलब रोज वगैरह का प्लांट देखते होइएगा जहां भी होगा वहां मतलब कंकर पत्थर पे लगा दीजिए तो वो लग जाएगा, ठीक है, तो वो सब लग सकता है, दो चार प्लांट सब है जो कि चाल सवाल के अंदर लग सकता है, जिस सवाल के अंदर क्या हो हमारा कंकर पत्थर हो, थोड़ा सा मिट्टी हो, थोड़ा सा मतलब मिक्सर वगैरह इस टाइप का हो, जो कि परफेक्ट उतना नहीं होता, उसको हम चाल्क सॉइल कहते हैं। अदरवाइज दूसरे अगर सॉइल की देख ले तो हमारे पास एक और सॉइल निकल कर आता है जिसको पीटी सॉइल्स बोलते हैं, और इसका क्या कहानी है देख लेते हैं। द सॉइल हैज अ लॉट्स ऑफ ऑर्गेन मटेरियल्स एंड रिच वाटर विच मेक इट्स वन ऑफ द बेस्ट टाइप्स ऑफ सॉइल फ्रॉम प्लांट्स। मतलब इस ये जो हमारा है पीटी सॉइल, ये हमारा जो सॉइल है इसके अंदर क्या है, लॉट्स ऑफ मतलब बहुत 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 ज्यादा क्या होता है, तो भाई ऑर्गेनिक मटेरियल्स होता है जो कि हमारे न्यूट्रिएंट को बढ़ाता है। और क्या बढ़ाता है, जैसे कि मान लीजिए हमारा जो है अर्थवर्म, अर्थवर्म क्या करता है हमारे न्यूट्रिएंट को इंक्रीज करता है, ठीक है, तो उसको जो है ऑर्गेनिक ऑर्गेनिक मैटर्स मतलब बहुत छोटे 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 वैसा मतलब ऑर्गेन्स या वैसा जो कि हमारे मतलब न्यूट्रिएंट को और ज़्यादा बढ़ा दे, हमारे सॉइल की प्रोडक्टिविटी को और इंक्रीज कर दे, और इसके अंदर क्या है कि और वाटर को होल्डिंग मतलब वाटर को बनाए रखने की प्रवृत्ति इसके अंदर बहुत अच्छा होता है, और इसके अंदर हमारा प्लांट का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा देखने को मिलता है। और क्या है, बट द सॉइल नीड बी द ट्रेन ऑफ फर्स्ट बिकॉज एज अ हाईली वाटर एंड अ न्यूट्रिएंट कंटेंट, पीटी सॉइल इज अ कीप इन द प्लांट हेवली अ इवन अ ड्राई एंड विद अस सो अ एडिटिक वाटर कंटेंट इज अ गुड फॉर अ फॉर हो या पी नहीं हो ठीक है फॉर अ कंट्रोल प्लांट्स designs and can be used to balance the pH level or otherwise the other kind of soil। मतलब कि हमारा जो पीटी सॉइल है ये क्या करता है, पानी की प्रचुरता को बनाए रखता है, पीएच लेवल को मेंटेन करके रखता है, और जब जब हमारे प्लांट को जहाँ जहाँ जितनी वाटर की जरूरत होती है ड्राइनेस में, गर्मी के मौसम में, जैसा भी सिचुएशन हो उस टाइम क्या करता है, प्रोवाइड करता रहता है, क्योंकि इसके अंदर रिच क्या होता है, न्यूट्रिएंट भी होता है, रिच ऑर्गेनिक मटेरियल होता है, तो हर एक एक कारण से हमारा जो ये सॉइल है ये परफेक्ट सॉइल है, और इसके अंदर अगर हम अपनी फसल को लगाते हैं तो हमारा फसल अच्छा प्रोडक्टिविटी होता है, अच्छा क्या होता है देखने को मिलता है उत्पादन, ठीक है। अदरवाइज इसको देख लेते हैं कि क्या क्या इसका फैक्टर्स है, तो देख सकते हैं डार्क ब्राउन कलर, मतलब अगर इस सॉइल की बात कर ली कि भाई सॉइल किस कलर का होता है, कैसा दिखता है, तो ये कैसा होता है, डार्क ब्राउन, ब्राउन ब्राउन में भी कैसा, डार्क ब्राउन मतलब पूरा हेवी वाला डार्क,
ठीक है, इसका कलर होता है, इसको अगर बात कर ले तो सॉफ्टी है, मतलब इस जब हम टच करेंगे तो बहुत सॉफ्टी वाला फील आएगा, मतलब बहुत ज्यादा क्या होता है स्मूथली होता है। फिर कॉन्टिन्यूस इन वाटर, ये वाटर को होल्ड करके रखता है, ठीक है, वाटर में अच्छा होता है। और क्या होता है साथ में इधर, और रिच ऑर्गेन मटेरियल, इसके अंदर जो है न्यूट्रिएंट वगैरह ऑर्गेन मटेरियल वगैरह बहुत ज्यादा प्रचुर मात्रा में होता है, जिसके कारण हमारा फसल बहुत अच्छे ढंग से ग्रो करता है। अगर बात कर ले कि कौन कौन से प्लांट इसके अंदर आ सकते हैं, आइडियल प्लांट्स वगैरह, तो इसके अंदर हम देख सकते हैं स्पेंसमस मास, ठीक है, हिबिस्कस सीड्स, तो ये सब जो हमारा प्लांट्स इसके अंदर हम लगा सकते हैं, और ये अदरवाइज और भी फसल लगा सकते हैं, जिससे हमारा प्लांट की प्रोडक्टिविटी अच्छे वे में ग्रो करेगी और हम अपने प्लांट को क्या कर सकते हैं, अच्छा प्रोडक्टिविटी दे सकते हैं। तो यहाँ तक हमने क्या कर लिया, जान लिया, क्या जान लिया कि भाई हमारा क्या होता है सॉइल, क्या होता है, ठीक है, और कैसे हम वर्क करते हैं। तो आशा करते हैं कि हमारा वीडियो जो बहुत अच्छा पसंद आया होगा। अगर आपके जीवन में थोड़ी सी भी परिवर्तन आती है तो हमारे द्वारा किया गया प्रयास सफल होगा। धन्यवाद।